गाइस प्रॉब्लम नंबर 8 है। प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो किसके? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ केमिस्ट्री थोड़ी ना चल रही है यहाँ, फिजिक्स थोड़ी ना चल रही है यहाँ, और क्या चल रही है? मस्ती चल रही है? नहीं यार, फिजिक्स चल रही है। और न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। चैप्टर नंबर 4 है एसएल के अंदर, उसके न्यूमेरिकल सॉल्व हो रहे हैं। और टॉपिक आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ उसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। इस न्यूमेरिकल को देखो, प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस चल रही है 8 नंबर की। इससे पहले जितनी भी है वो सब सॉल्व करा दी। इससे पहले 7वीं जरूर प्रैक्टिस करें क्योंकि आपको मज़ा आएगा। उसी के ऊपर बेस्ड थोड़ा सा सिमिलर क्वेश्चन हमसे कह रहा है इस तरह से कि 2 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं, एक में I एम्पियर करंट जा रही है और एक में I 2 एम्पियर करंट जा रही है। P पॉइंट है, इस P पॉइंट की डिस्टेंस जो है इस वाले वायर से 4 सेंटीमीटर है और इस वायर से ये 3 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। तो सवाल ये है कि P पॉइंट पर आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड बताना है। कब? जब दोनों के अंदर डायरेक्शन ऑफ करंट कुछ इस तरह से जाए, है ना, ये वाला पार्ट पहला। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, ठीक है, ऐसे हालात में बताना है। तो पहला वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे बाद में पहला वाला पार्ट। सॉल्यूशन चल रहा है पहला वाला पार्ट। अब जरा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं I 1 एम्पियर जिसमें करंट जा रही है वायर के अंदर, उसकी वजह से अगर P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँ तो राइट हैंड थंब रूल लगाऊंगा। P पॉइंट पर डाउनवर्ड आएगा, ठीक है, इसकी वजह से P पॉइंट पर कैसा आया? क्रॉस डाउनवर्ड पहले वाले पार्ट से। अगर मैं I 2 एम्पियर जिसमें करंट I 2 एम्पियर जा रही है, इससे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड देखना चाहूँगा, P पॉइंट नीचे की तरफ को है तो वो भी डाउनवर्ड आएगा। देखो डाउनवर्ड इन प्लेन ऑफ पेपर, तो इसकी वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड, इसकी वजह से यहाँ पर डाउनवर्ड, दोनों एडअप हो जाएंगे। आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड will be downward, magnetic field will be downward by both of these wire। इन दोनों वायर से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? डाउनवर्ड होगा। कहाँ पर? P पॉइंट पर। तो आप कहोगे यहाँ पर जो B नेट निकल कर आएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगा। B1 पहले वाले की वजह से, वायर है स्ट्रेट वायर, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है μ0, इसकी करंट I1 अपॉन 2 पाई। मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस जो है ये R1 है और ये डिस्टेंस जो है ये R2 है। तो आप कहोगे μ0 I1 अपॉन 2 पाई R1 प्लस B2 की वजह से μ0 I2 अपॉन 2 पाई R2। सबकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, μ0 ऐसे रहेगा, μ0 की वैल्यू हाथों हाथ रख दो यार, हाथों हाथ रख दो। μ0 की वैल्यू कितनी होती है जल्दी से बताएं? 4 पाई इंटू 10⁻⁷। I1 करंट कितनी है जल्दी से बताओ? I1 करंट है, हमसे कह रहा है I1 करंट जो है वो 2 एम्पियर की है, तो यहाँ 2 आ जाएगा, नीचे 2 पाई ऐसे ही। R1, ये R1 है 4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को हाथों हाथ मीटर में कन्वर्ट कर दो, कर दिया, प्लस लगा दिया, ये 2 पाई आर की वैल्यू लिख दी, ऊपर 4 पाई इंटू 10⁻⁷ μ0 की वैल्यू लिख दी, करंट की वैल्यू लिख दी। μ0 की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, और दूसरे वाले वायर में जो करंट जा रही है 1.5 एम्पियर की, 1.5 एम्पियर की, 2 पाई ऐसे रहेगा। R2 की वैल्यू, R2 मतलब ये होगा 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10⁻-2 से मल्टीप्लाई, 2 पाई से 4 पाई 2 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4 होते हैं, 4 से नीचे वाला 4 चला जाएगा, 10⁻⁷ ये है, 10⁻-2 ये है, तो 10⁻⁵ बचा, क्योंकि 10⁻-2 से जब 10⁻-2 ऊपर जाएगी तो 10⁻+2 हो जाएगी, +2 और -7, तो -5 बचे ना। पहला वाला पार्ट सॉल्व, प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा देंगे, 2 पाई से 4 पाई अगेन 2 बार चला जाएगा, जब 2 की 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3, देखो 3 हो जाएगा, और 3 से नीचे वाला 3 कट गया। अगेन 10⁻-2 ये है, 10⁻-7 ऊपर है, तो 10⁻-5 बचा, तो ये हो जाएगा 10⁻-5। 10⁻-5 ये है, 10⁻-5 ये है, 10⁻-5 ये हो जाएगा 2 10⁻⁵। वही x + x 2x, y + y 2y, वैसे ही 10⁻⁵ प्लस 10⁻⁵ तो 2 बार आया 10⁻⁵। तो ये आपके पास B आ चुका है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड यूनिट क्या होती है? टेस्ला। 2 इंटू 10⁻⁵। समझ में आ गए पहले वाले पार्ट में। जैसा दे रखा था आपने वैसे ही सॉल्व भी किया, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकाला, किसकी मदद से? बाय राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, इसका सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड वाले पार्ट को सॉल्व करने के क्वेश्चन को वापस से इंपोर्ट करेंगे, क्वेश्चन को वापस से इंपोर्ट करेंगे। क्वेश्चन कहाँ गया? ये गया क्वेश्चन। क्वेश्चन को वापस से इंपोर्ट किया है और इसको मैं पूरा ही क्वेश्चन यहाँ रख देता हूँ। ठीक है, वो वाला पार्ट भी ले लेते हैं जो हमसे कह रखा था। कौन सा था भाई? I1 एम्पियर और I2 एम्पियर, तो यही है। ठीक है, ओपन ओपन ओपन, खुल जा सिम सिम। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक होगा यार। सेकंड वाले पार्ट में ये कह रहा है इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स इन वन ऑफ द वायर्स, अगर किसी एक वायर में करंट के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया जाए तब बताओ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, तो मान लेते हैं कि इस वाले वायर में आपने करंट के डायरेक्शन को क्या कर दिया? उल्टा। मैं करंट के डायरेक्शन को उल्टा बना कर दिखाता हूँ, इसी में ही उल्टा बना दूंगा भाई, इसी में ही उल्टा बना दूंगा। लोग, करंट के डायरेक्शन को मैंने क्या कर दिया? उल्टा। करंट की डायरेक्शन हो गई उल्टी, कुछ इस तरह से। ठीक है भाई, अब मुझे क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड बताना। तो यहाँ पर लिखेंगे सेकंड वाले पार्ट को सॉल्यूशन। अब मुझे इसकी वजह से बताओ पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, वही राइट हैंड थंब रूल लगाओगे डाउनवर्ड। तो आप पहले निकाल लो B1, निकाल लो हेयर B1, ये हो जाएगा म्यू नॉट I1 अपॉन 2 पाई R1। ये कैसे होगा? जल्दी से बताओ ये कैसे होगा? ये डाउनवर्ड होगा, डाउनवर्ड होगा प्लेन ऑफ पेपर में, इन प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, डाउनवर्ड इन प्लेन ऑफ पेपर। इसकी वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड मैंने बता दिया, बिल्कुल बता दिया। आपको पता है कि ये R1 का काम कर रहा है, ये R2 का काम कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसकी वैल्यू को निकाल दो। B1 इज इक्वल टू म्यू नोट की वैल्यू 4 पाई रखो, 10 की पावर -7 कह दो। I1 कितना आपके पास? जल्दी से, I1 आपके पास 2 एम्पियर था, शाबाश 2 पाई ऐसे रहेगा। R1 की वैल्यू कितनी है? 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया और 2 से 2 कट गया। 10 की पावर -2 ऊपर जाकर +2 हो जाएगा, तो 10 की पावर -5 टेस्ला बचा। तो आपके पास B1 की वैल्यू आ गई 10 की पावर -5 टेस्ला। ठीक है भाई, B1 आपके पास आ गया, आ गया। अब सिमिलरली जिस तरह से आपने B1 निकाला है, आप अब इस वाले वायर में देखोगे, इस वाले वायर में देखो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। पहले तो उसकी डायरेक्शन देखो P पॉइंट पर। अगर आप देखोगे तो इस तरह से करंट जाइए, राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग आप थंब को कहाँ रखोगे? करंट के डायरेक्शन में। तो इस तरफ जो आ जाएगा वो क्रॉस आएगा, सब में क्रॉस आ जाएगा। देखो इस तरफ क्रॉस आएगा और वायर के ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो P पॉइंट इधर की तरफ है, P पॉइंट वायर से इधर की तरफ को है, तो देखो ये इस तरफ को अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, मतलब यहाँ पर डॉट। और आपको पता है जब वायर के एक तरफ क्रॉस है तो दूसरी तरफ डॉट ही आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से तो है इसके चारों तरफ। तो इधर को क्रॉस, इधर को डॉट, तो यहाँ पर डॉट आ जाएगा। डॉट का मतलब अपवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। एन आप कहोगे द्वारा B2 निकालोगे, ये आ जाएगा म्यू नॉट I2 अपॉन 2 पाई R2। अच्छा, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? अपवर्ड होगा। कैसा होगा? अपवर्ड इन प्लेन ऑफ पेपर, अपवर्ड इन प्लेन ऑफ पेपर हो गया। B2 निकाल ले आप, म्यू नोट की वैल्यू रखो 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। I2 ये 1.5 दे रही है, ज़बरदस्त 2 पाई ऐसे रहेगा। R2 की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हाथों 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई, पाई से पाई कट गया। और देखोगे 2 से 4 जो है वो 2 बार चला जाएगा। 1.5 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3, 3 से 3 कट गया। 10 की पावर -7 ऊपर बचा, 10 की पावर -2 नीचे बचा। तो वैल्यू जो आएगी ओवरऑल 10 की पावर -5 आएगी। तो B2 कितना आ जाएगा? 10 की पावर -5 टेस्ला। आपको पता है डायरेक्शन का क्या है, ये डायरेक्शन डॉट में है, जबकि ऊपर वाला जो आया था ये क्रॉस में आया था। तो आपको B नेट निकालना है। B नेट कितना हो जाएगा? अब देखो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू सेम आ रही है, लेकिन एक अपवर्ड डायरेक्शन में और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो आप कहोगे B नेट इज इक्वल टू होगा B1 - B2। तो दोनों की वैल्यू पुट करो, 10 की पावर -5 माइनस 10 की पावर -5, वैल्यू आ जाएगी 0 टेस्ला। तो B नेट जो आ चुका है आपके पास वो आ चुका है 0 टेस्ला। तो यही आपसे पूछा गया था कि B नेट बता दो, तो B नेट जो आ जाएगा वो जीरो टेस्ला आ जाएगा। तो पहला वाला पार्ट भी आपका सॉल्व हो चुका है, सेकंड वाला पार्ट भी। तो क्या क्वेश्चन टफ है? मुझे बताएं क्वेश्चन टफ है? मेरे होते हुए आपको एक भी क्वेश्चन टफ नहीं लगेगा, लेकिन शर्त ये है कि मोटिवेट तो करो मुझे, वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, जितना हो सके दूसरे को रिकमेंड करो। यूट्यूब तो रिकमेंडेशन देता नहीं है, आप दे दो रिकमेंडेशन दूसरे को कि भाई यहाँ से पढ़ ले करो, सारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे एसएल के। एसएल जल्दी से सॉल्व करवाओ, उसके बाद HC वर्मा, उसके बाद प्रदीप, और लास्ट में आपको बताया प्रीवियस ईयर लगवाने शुरू कर देंगे। तो मज़ेदार होने वाली आपकी ओवरऑल प्रैक्टिस। तो उम्मीद करता हूँ ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो सारों पत्थर फेंक के मारो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो सब्सक्राइब वाला जो बटन है ना, वो हिट हो जाना चाहिए।